जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आश्रम में। बात कर रहे हैं मासिक राशिफल 2023 और राशि है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि की बात करेंगे, मार्च का महीना 2023 कैसा रहने वाला है जितने भी मेरे मीन राशि के जातक हैं उनके लिए। मीन राशि की बात करते हैं तो गुरु की बात होती है, और मीन राशि की बात करते हैं तो अगेन शनि की बात भी होगी, क्योंकि शनि की साढ़े साथी जल्द ही शुरू हुई है। आप लोगों को खास तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए पूरे मार्च के महीने में, जिससे आपको नुकसान से बचा जा सके, और क्या आपको आने वाले समय में लाभ होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हानि होने वाली है, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या लाभ होते हुए आपको इस पूरे महीने में दिखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बात कर रहे हैं मासिक राशिफल 2023 मार्च महीने की, और राशि है मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु। जब हम बात कर रहे हैं मीन राशि की, तो दो ऐसी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए। वो पहली चीज है, कोई भी निवेश नहीं करना है। निवेश इन द सेंस कि आपको कोई भी व्यापार में नया काम शुरू नहीं करना है मार्च के महीने में, किसी भी प्रकार से प्रलोभन में आकर भी ये स्टार्ट नहीं करना है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि मार्च के महीने में जब आप कोई भी निवेश किसी भी व्यापार में या नौकरी का कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो आपको स्विच नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए वो आपके लिए एक लालच जैसी चीज होगी कि बाद में आपको पछताना पड़े कि मैंने ज्वाइन कर लिया लेकिन अब आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने गलत किया। ऐसे ही व्यवसाय में आपने कोई नई चीज स्टार्ट की है तो आपको पछताना पड़ सकता है कि आपका नुकसान हो रहा है, उसमें लाभ की स्थिति में नहीं आएगा। तो पहली चीज तो आपको व्यापार और नौकरी में नई चीज करने से बचना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो अपने धन की दृष्टि से करनी चाहिए कि धन की दृष्टि से भी आपको कोई भी नया निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहीं शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं आपको नहीं लगाना है, आप किसी को उधार देना चाहते हैं आपको नहीं देना है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आपको मार्च के महीने में नहीं खरीदनी चाहिए, यानी अपने पैसे का निवेश नहीं करना चाहिए। तो आपको खास तौर पर इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, आप पर आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप इस महीने में लग सकते हैं। जो कार्य आपने न किया हो उसके लिए आपको पनिश या उसमें आपका नाम आ सकता है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं क्या लाभ मिलने हैं आपको। लाभ की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आपको कोई पुराने रोग हैं या आप किसी समस्या से ग्रसित हैं या छोटी मोटी कोई बीमारी आपको है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महीना अच्छा है, मार्च के माह में आपको लाभ होते हुए दिखने लगेगा। धन की दृष्टि से बात करूं तो एवरेज महीना है। आपके पास जितना धन आएगा उतना ही खर्च होगा, ना आपको लेना पड़ेगा ना आपको किसी को देना पड़ेगा, यानी कि ठीक कह सकते हैं आप इसको। और आप व्यापार और नौकरी की बात करेंगे तो वो भी एक एवरेज महीना आप कह सकते हैं आपके लिए है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता लेकिन खराब नहीं है ये जरूर कहूंगा मैं आपके लिए। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इसका भी कि आपको उस हिसाब से ही अपने काम करने चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ी बात जो मैं करने वाला हूं वो करने वाला हूं दाम्पत्य जीवन और विद्यार्थियों के लिए। दाम्पत्य जीवन में अच्छी चीजें होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो शॉर्ट आउट होने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी तो वो शांत होने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा, विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर बात करूं कि अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं या आपका कोई परिणाम आने वाला है या आपका कोई पुत्र पुत्री ऐसी है जो संतान है आपकी और वो किसी परीक्षा में बैठी है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई भी पॉजिटिव यानी कि अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। और अगर मीन राशि वाले जातकों के मांगलिक कार्य में कोई रुकावट आ रही थी बहुत समय से, तो घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं बात करूं मीन राशि की और मार्च माह की, तो ये आपको एक एवरेज महीना दिखेगा, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप इसको महीने को अपने को बहुत अच्छा कर सकते हैं। खासतौर पर मैं मार्च की बात करूं मीन राशि वालों के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।